आवर टूडेज चैप्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिस इज़ द चैप्टर नंबर फाइव ऑफ द बी ट्रिपल ई इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब हमें यह देखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं थ्रू आउट द कंज्यूम कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर यानी कि लाइट कैसे हमें मिलती है उस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है कि इस सिस्टम में क्या क्या होता है तो जनरली हम सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर का जो सिस्टम है टोटल सिस्टम में थ्री पार्ट्स हैं नंबर वन फर्स्ट सबसे पहले तो हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उस पार्ट को हम कहते हैं जनरेशन फिर उसको हम ट्रांसमिट करते हैं सेकेंड पार्ट इज़ द ट्रांसमिशन और फिर थर्ड पार्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ओके तो हमें ये थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम सिस्टम क्या होता है तो उससे पहले हमें जनरली पता होना चाहिए कि हमारी जनरेशन ट्रांसमिशन भी क्या होती है उसके बारे में एक जनरल सा आइडिया हमें चाहिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरेशन की तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे भी है ये हम जनरेटर के द्वारा करते हैं और जनरली सिंक्रोनस जनरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि आपके थर्मल प्लांट न्यूक्लियर प्लांट और ये जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें यूज़ होते हैं अब वो उनको हम अल्टरनेटर्स भी कहते हैं ठीक है अब वहाँ पर हमारे जो जनरेटर्स होते हैं वो इलेवन uh, किलो वोल्ट की वोल्टेज को जनरेट करते हैं और उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो एंड ई एम एफ इज इंड्यूज इन इट यानी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा देन देयर वुड बी अम एफ इंड्यूस्ड एंड दैट ई एम एफ इज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ओके अब हमारी इलेवन के वी या थर्टी थ्री के वी में हमारे हम जनरेट करते हैं फिर उसके बाद आती है कि हमें उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है उस इलेक्ट्रिसिटी को मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए कि जो यहाँ पर प्लांट है एक आपके आसपास या खेदड़ में प्लांट है जैसे पानीपत में प्लांट है आपके यमुनानगर में थर्मल प्लांट है तो वहाँ से यहाँ नरवाना तक आपकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए इतनी दूर से यानी कि आपके कम से कम भी डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर का एरिया है दो सौ किलोमीटर पर बिजली को आप पहुंचाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी तो ट्रांसमिशन के लिए अगर इतनी दूर से आप इलेवन के वी या थर्टी थ्री के वी को आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें लॉसिस हो जाते हैं बोझ जाना हीट लॉसिस हो जाते हैं कॉपर लॉसिस हो जाते हैं वाइंडिंग लॉसेज हो जाते हैं तो उसको कंडक्टर के लॉसिज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपर वोल्टेज इलेवन के वी आपकी वहाँ पर जनरेट हो रही है तो यहाँ पर आपको आ, वो एट नाइन यानी कि उससे कम आपको वोल्टेज मिलती है प्रॉपर वोल्टेज आपको नहीं मिल पाती लेकिन आपको रिक्वायर है कि आपको इलेवन के ही चाहिए कंज्यूमर एंड पर तो उसके लिए अब आपको आ, हाँ उसके लिए हमने एक तरीका बनाया है ट्रांसमिशन सिस्टम में हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है ट्रांसफॉमर तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन के बाद स्टेप अप स्टेपअप से लगते हैं जो कि वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं वोल्टेज को ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से आपके लोसिस कम हो जाते हैं हाई वोल्टेज पर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि इलेवन के या थर्टी थ्री को हम टू ट्वेंटी के वी तक आठ सौ तक हम उसको चेंज कर सकते हैं चेंज करके ट्रांसमिट करते हैं फिर बात इसके भी दो पार्ट होते हैं जैसे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन केवी या 400 केवी या 220 केवी में थ्री फेज वायर ओवरहेड हेड ट्रांसमिशन लाइन्स को के थ्रू ठीक है फिर आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन इज अस्टम इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर टेक्स प्लेस फ्राम मेजर सब स्टेशन टू द स्मॉल सब स्टेशन यानि कि सेकेंडरी में आएगा बड़े सब स्टेशन से लेगा फिर छोटे सब स्टेशन में हम आ, आपके यानि कि वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं एट वन थर्टी थ्रू के वी सिक्सटी सिक्स के वी इन थ्री फेज या थ्री वायर ओवर हैड सिस्टम यानि कि ये जो सब स्टेशन है ये आपके कंज्यूमर एंड के पास होंगे जहां पर आपको बिजली पहुँचानी है फिर उसके बाद जो 66 सिक्स के वी या वन थर्टी टू के वी का या थर्टी थ्री के वी का जो भी सब स्टेशन है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वाला जो सब स्टेशन है वहां से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट स्टार्ट होता है ठीक है तो सिस्टम, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है यहाँ पर सिस्टम बाई विच पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सब स्टेशन टू द कंज्यूमर इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओके अब इसका जो ब्लॉक डायग्राम है ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अब इसके भी दो पार्ट होते हैं एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर होती है सब स्टेशन से बल्क कंज्यूमर्स में यानी कि हैवी यानी कि इंडस्ट्रीज को जो जा रही है जैसे ग्यारह के वी और तैंतीस के वी इंडस्ट्रीज को जरूरत होती है तो बड़े कंज्यूमर्स को जो सप्लाई जा रही है आपके सब सब स्टेशन से उसको हम कह रहे हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है बाय ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम फिर सेकेंडरी सब स्टेशन आता है जो कि छोटे कंज्यूमर्स के लिए है स्मॉल सबस्टेशन से तक डिलीवर होती है जैसे कि 400 सौ के वी और 230 सौ तीस के वोल्ट यानी कि के वी नहीं दो सौ चार सौ वोल्ट और दो सौ तीस वोल्ट के लिए हम जहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि आपके कॉलेज में आ रही है जैसे आपके घर में आ रही है तो ये आपकी हुई इस के भी हुई फिर दोबारा से स्मॉल सब स्टेशन में आई थर्टी थ्री के वी के फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुई इलेवन के वी की फिर आपकी बल्क बड़े कंज्यूमर्स को गई फिर उसके बाद पॉइंट फोर किलो वोल्ट यानी कि चार सौ वोल्ट आपकी वोल्टेज पहुंची कंज्यूमर एंड पर जो जनरल कॉमन कंज्यूमर्स हैं आपके जैसे कि घर में आपके गाँव में शहर में जो भी बिजली आ रही है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है ठीक है अब उसमें फिर आपको अब के इनकी कंपैरिजन करना है फिर आपको हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो हाई वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पावर है ठीक है और इसकी जो वोल्टेज होती है हाई की ये होती है थर्टी थ्री के वी और एलेवन के वी लेकिन जो वोल्टेज होती है लो वोल्टेज सिस्टम की वो होती है चार सौ या दो सौ तीस वोल्ट और थ्री फेज टू फेज टू फेज की जो वोल्टेज होती है वो चार वोल्ट होती है और जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होती है वो टू टू थर्टी वोल्ट होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है फिर हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम यूज होता है और लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थ्री फेज फोर वायर सिस्टम होता है यहां पर न्यूट्रल की भी जरूरत होती है ठीक है ना इसलिए फोर वायर्स यहां पे यूज होंगी फेज के साथ फिर लार्ज सिटीज़ हैवी इंडस्ट्री कंज्यूमर्स के लिए लोड रिक्वायरमेंट लार्ज होता है इसलिए हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ज़रूरत होती है सिमिलरली स्मॉल टाउन और स्मॉल इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए लो लोड रिक्वायरमेंट स्मॉल होती है कम होती है इसलिए लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ होता है ठीक है अब ये आपका की डायग्राम है थ्री फेज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये की डायग्राम आपको पढ़ना है ये जनरली आपके सब स्टेशन में भी लगा होता है जिसको आप लाइन सिंगल लाइन डायग्राम भी हम इसको कहते हैं जैसे कि ये सबसे पहले जी आपको दिखाई दे रहा है जेनेटिंग पावर स्टेशन का ये सिंबल है फिर यहाँ से थर्टी थ्री होती है कर दिया यहां पर फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन आती है जहां पर प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हैं आप 220 ट्वेंटी को फिर 220 ट्वेंटी स्मॉल सब स्टेशन में जाती है जो कि 220 ट्वेंटी को सिक्सटी सिक्स केवी अब यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है पहले जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमारा यूज़ हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन से पहले हमारा हमारे पास होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने उसको 220 को 66 केवी में कर दिया फिर उसके बाद हम और उससे भी छोटे सब स्टेशन में आते हैं जहां पर फिर वोल्टेज 66 केवी आपकी 11 केवी में स्टेप डाउन होती है यहाँ यहाँ पर भी फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है फिर उसके बाद आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्यारह के आपको यानी कि थर्टी थ्री के आपकी यूज़ होती है बल्क uh, इंडस्ट्रीज़ के लिए तो उसके बाद फिर आपका एक वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है जो कि 11 के वी को 400 वोल्ट में चेंज करता है फिर यहाँ पर थ्री फेजेस और uh, और एक न्यूट्रल यहाँ पर जाता है जिससे कि आप सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई भी ले सकते हैं अगर आपको थ्री फेज सप्लाई लेनी है तो आपको फोर वोल्ट मिलेगी अगर आप सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं तो आपको टू वोल्ट मिलेगी तो दिस इज़ द की डायग्राम जो कि हमारा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझाता है ठीक है उसके बाद ये कुछ एक पार्ट्स हैं जैसे कि पोल के जो पार्ट्स हैं जैसे कि जो आपके घर के पास पोल है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे इंसुलेटर जंपर्स अर्थ वायर वगैरह वगैरह जो भी हैं ये सारे ये कंडक्टर्स लाइन्स थ्री फेसिस ये सारा कुछ ठीक है फिर उसके बाद है आ, ये इसके पार्ट से दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आरसीसी पोल होते हैं स्टील के पोल होते हैं स्टील टावर ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को पहुंचाने के लिए जो भी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसके बारे में दिया गया है जैसे कि क्रोस आर्म्स हो गई फिर आपके इंसुलेटर्स हो गए पिन टाइप सस्पेंशन टाइप शैकल टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर्स स्टे इंसुलेटर्स ये इंसुलेटर पोल्स के ऊपर लगते हैं फिर पोल एसीएसआर एलुमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड कंडक्टर से ज्यादा यूज होते हैं आ, फिर है आपकी अर्थ वायर गार्ड वायर गार्ड वायर होती ताकि आपकी यानी कि वायर ना मिले आपस में तीनों फेजिस को अलग अलग करने के लिए अर्थ वायर होती है सेफ्टी के लिए ताकि शौक ना लगे हर तीसरे पोल पे अर्थ वायर होती है फिर स्टे वायर पोल को रोकने के लिए स्टे वायर भी यूज होती है फिर डेंजर प्लेट भी लगाते हैं कि यहां पर हैवी वोल्टेज है फिर उसके बाद एंटी क्लम्बिंग डिवाइसेस भी होते हैं जो कि पोल पर चढ़ने के लिए हमारे पास डिवाइस हैं फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज वायर्स अब सिंगल फेज वायर्स को पहचानने की क्या हमें कैसे पता लगता है कि सिंगल फेज सिस्टम है तो मोस्टली थ्री वायर्स आर यूज्ड जनरली सिस्टम में तीन वायर्स यूज होती हैं फेज़ वायर न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फेज़ वायर है न्यूट्रल वायर है या अर्थ वायर है तो हम इसमें कलर कोडिंग करते हैं ठीक है थीके? तो उससे पहले सबसे हमें पता हो कि फेज़ वायर कौन सी होती है फेज़ वायर क्या होती है अ वायर विच कैरीज द लोड करंट इज कॉल्ड द फेज़ वायर ठीक है इट इज़ द लाइव फेज इफ अ प परसन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फेस वाइल ही फील इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि एक तरह का जो आपका फेज से आपका ट्रांसफॉर्मर से लेकर आपके लोड तक जो आपकी सप्लाई जाती है उस वायर को जहाँ से सप्लाई जा रही है लोड से आ, यानि कि ट्रांसफॉर्मर से लोड तक वो आपकी फेज वायर होती है फिर आपकी सेकेंड आती है न्यूट्रल वायर अ वायर थ्रू विच द करंट रिटर्न फ्रॉम द लोड टू द सोर्स यानी कि फिर आपकी लोड से लेकर सोर्स की तरफ जो जा रही है ट्रांसफॉर्मर की तरफ जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर यानी कि रिटर्निंग पाथ होता है नूट्र। आपका न्यूट्रल वायर और फॉरवर्ड पाथ होता है आपका फेज वायर फिर थर्ड वन आती है अर्थ वायर तो बेसिकली लोड को चला में दो वायर्स की जरूरत होती है ठीक है फिर ये थर्ड वायर आती है अर्थ वायर ये अर्थ वायर बेसिकली किसी लोड को चलाने के लिए काम तो नहीं आती लेकिन प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू यूज तो उसके लिए हमें सेफ्टी की जरूरत होती है ताकि हमें शौक ना लगे मोटर में अगर करंट आ रहा है तो हमें शौक ना लगे उसके लिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं जैसे ही मोटर में आपने टच किया और उसमें अगर करंट एक्स्ट्रा करंट उसमें फ्लो कर रहा है उसमें कहीं लीकेज करंट है तो अर्थ वायर आपको उस करंट से उस शोक से बचाती है ठीक है तो इट इज फॉर द प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शोक दैट इज द अर्थ वायर अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय कलर स्पेशली एक स्टैंडर्ड हमने बनाया है कि फेज वायर का कलर ये होगा स्पेशल कलर होते हैं जो कि हमें सिस्टम में डालने होते हैं जैसे कि फेज वायर का कलर रेड न्यूट्रल वायर का ब्लैक और अर्थ वायर का ग्रीन ग्रीन यानी कि कलर से हम इनको पहचानते हैं ठीक है अब वोल्टेज बिटवीन फेज एंड वायर जो फेज वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में वोल्टेज कितनी होती है टू थर्टी वोल्ट सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में फिर वोल्टेज बिटवीन फेज वायर एंड द अर्थ वायर फेज वायर और अर्थ वायर के बीच में वोल्टेज कितनी होती है लेस देन टू थर्टी वोल्ट यानी कि अर्थ वायर और फेज वायर के बीच में टू थर्टी वोल्ट से कम वोल्टेज होती है ठीक है और वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर इज ऑलवेज लेस देन थ्री टू फाइव वोल्ट न्यूट्रल और अर्थ uh, वायर में थ्री टू फाइव वोल्ट की ही वोल्टेज होती है ठीक है uh, फिर है कि वाई करंट इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूट्रल वायर अब न्यूट्रल वायर में करंट क्यों नहीं प्रेजेंट होता अब एज वी नो एट द करंट फ्लोज फ्रॉम फेज वायर एंड रिटर्न बैक थ्रू द न्यूट्रल वायर so to avoid electric shock in the neutral wire it is earthed at substation so all the current phases to earth hence by touching neutral wire we don't get electric shock one current तब flow करेगा जब आपका load आपने switch on किया है then current flow जाएगा otherwise नहीं ठीक है normally इसमें current flow नहीं करता phase wire में ही हमेशा current रहेगा तो अब फिर उसके बाद आती है आपकी थ्री फेज़ वायर की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम अब यहाँ पर हमारे पास थ्री फेज सिस्टम इज़ इक्वल टू द थ्री फेज सिंगल फेज सिस्टम विद 120 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन देम टू तो आइडेंटिफाई वी डिनोट देम रेड येलो ब्लू अब थ्री फेज वायर में अब तीन कलर हम यूज़ करते हैं तीन फेजिस कैसे पता लगेंगे हमें रेड येल्लो ब्लू तीन फेजिस रेड येल्लो ब्लू तीन थ्री फेज सिस्टम में तीन कलर की हम यूज़ करते हैं ठीक है अब उसमें इट इज़ डन बाय द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर थ्री फेज सिस्टम में डन होती है थ्री फेज थ्री वायर या थ्री फेज फोर वायर सिस्टम से ठीक है न्यूट्रल भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं ठीक है फिर ये जो सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं कि आर वाई बी जहाँ पर लिखा होता है ये फेज वायर्स होती हैं जहाँ ई लिखा होता है वो अर्थ वायर होती है एस और एल का मतलब है स्ट्रीट लाइट वायर एन का मतलब है न्यूट्रल वायर यह कई बार स्पेसिफाई भी कर हैं सिम्बल से भी ठीक है Uh, so, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर गार्ड वायर दिखाई दे रही है स्टे वायर दिखाई दे रही है ये आपके थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम दिखाई दे रहा है एक पोल का सिस्टम इसमें दिखाई दे दे रहा है और फिर उसके बाद आ, आती है डिटर डिटर्मिनेशन द फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज अब वोल्टेज जो होती हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो दो तरह की होती हैं एक फेज़ वोल्टेज एक लाइन वोल्टेज अब फेज़ टू फेज वोल्टेज को हम कहते हैं फेज वोल्टेज फेज़ टू सॉरी फेज टू फेज़ वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज अंडरस्टैंड दो फेजिस के जैसे आर वाई और वाई बी और आर बी के बीच में जो वोल्टेज है जैसे कि 400 वोल्ट ये हमेशा हमारी होती है लाइन वोल्टेज टू फेजिस के बीच की जो वोल्टेज है उसे हम कह रहे हैं लाइन वोल्टेज और फेज टू 230 थर्टी वोल्ट जैसे कि uh, 400 को रूट थ्री से हम डिवाइड करते हैं तो 230 थर्टी वोल्ट निकलती है सिमिलरली और लाइन वोल्टेज की वैल्यू होती है 400 हंड्रेड वोल्ट ओके लाइन वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये थ्री फेज सिस्टम में यूज होती है और जनरली सिंगल फ़ेज सिस्टम में हमारी फ़ेज़ वोल्टेज ही होती है क्योंकि फेज़ वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच में दो ही वायर होती है हमारे पास तो फेज़ वोल्टेज ही वहाँ पर होगी बट थ्री फेज सिस्टम में हमारे तीन फेजिज़ हैं और एक न्यूट्रल है तो फ़ेज़ टू फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दो टर्म्स वहाँ पर यूज़ होती हैं ठीक है ठीके? ये हमें बात याद रखनी है फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज़ एंड थ्री फेज सिस्टम सप्लाई सिस्टम सिंगल फेज़ और uh, थ्री फेज में क्या डिफरेंस है तो अब सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है अ सिस्टम विद विच हैज ओनली वन फेज एंड वन इज कॉल्ड सिंगल फेज सिस्टम फेज वोल्टेज इज जनरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेजिज और टू लाइन्स इन थ्री फेज सिस्टम हमारे पास थ्री सिंगल फेज वोल्टेजेस होती हैं जो कि डिस्प्लेस्ड होती हैं 120 ट्वेंटी डिग्री इलेक्ट्रिकल फ्रॉम वन एंड अदर सिमलरली इन सिंगल फेज यूजिंग टू वायर्स वन फेज एंड वन न्यूट्रल एंड इन थ्री फेज वी यूज थ्री वायर्स or four wires, three for the phases and one for the neutral. And uh, for identification, uh, P is the phase wire, N is the neutral wire, E is the earth wire. And for identification, three phase system has wire red, yellow, blue for the phases and N for the neutral wire. Generally 230 volt uh, लाइन होती है सिंगल फेज लाइन और जनरली 400 हंड्रेड टू टू थर्टी वोल्ट सिस्टम इज कॉल्ड थ्री फेज़ फोर वायर सिस्टम एग्जांपल 400 या 230 दोनों ले सकते हो आप थ्री फेज सिस्टम से बट सिंगल फेज से आप 230 ही मिलेगी आपको ठीक है फिर ये आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज कितनी है इनके बीच में ये मैं